बड़ी खबर बिहार से है, जहां कोसी बराज पर यात्रियों से भरी बस देर शाम कोसी नदी में गिर गई, जिसके बाद कोसी बराज पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि कोसी बराज के 36 नंबर गेट के पास डाउन स्ट्रीम में यह हादसा हुआ, जहां बस ब्रेक लगाने के क्रम में बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए कोसी नदी में जा गिरी। बताया जा रहा है कि इस दौरान बस पर करीब 14 से 16 यात्री सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही नेपाल पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया। घंटों मशक्कत के बाद बस में फंसे तमाम यात्रियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ यात्री घायल भी हुए हैं, जिसे नेपाल के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से ही नेपाल पुलिस और जल संसाधन विभाग के अभियंता कोसी बराज पर कैंप कर रहे हैं। सुपौल जिले की सीमा से सटे नेपाल में उपस्थित कोसी बराज की यह घटना है। साथ ही आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा निर्मित कोसी बराज नेपाल प्रभाग में उपस्थित है। कोसी बराज पर अभी क्या घटना घटी है? वो गाड़ी एक विराटनगर से आ रही थी गायघाट के लिए, उसमें 15-16 आदमी था। ब्रेक का वजह से ब्रेक मारने से पानी पड़ रहा, उसमें चक्का स्लिप कर गया, उसमें खींच लिया गाड़ी कोसी में। गिरने से ऐसे कोई आर्थिक क्षति तो नहीं हुआ आदमी को, आदमी सबको थोड़ा चोट पटक लगा है, तो उसको सबको हॉस्पिटल में एडजस्ट किया गया है। कुल कितने लोग थे? कुल 15-16 आदमी थे। अभी सबको कहाँ भेजा गया? सभी हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कुछ नहीं। प्रशासन में कौन-कौन लोग हैं? प्रशासन दोनों तरफ का है, सुनसरी या सप्तरी दोनों तरफ का प्रशासन पहुँचल है। हाँ, कोसी का भी जनता सब सभी पहुँचल है यहाँ पे। कोसी से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।